मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को क्लास 12th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग को इससे पहले हम क्लास 11th में लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बताए थे। आज मैं आप लोग को कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताऊंगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से देखिए। सबसे पहले LH लिमिट, LH लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LH लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। If fx is real valued function such that fx is exist at x बराबर a, then लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच इन फॉर्म इज कॉल्ड एल एच लिमिट एट एक्स बराबर ए। If fx is real valued function such that fx is exist at x बराबर a, मतलब fx जो है x बराबर a पर real valued आता है, है न? Such that fx is exist at x बराबर a, then limit extends to a fx बराबर limit extends to 0 f a minus h in form is called LH limit at x बराबर a, which is written by limit extends to a from left। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, limit extends to a minus 0, limit extends to a minus fx, या फिर limit h tends to 0 f a minus h। limit x tends to a minus 0 of fx को हम लोग पढ़ते हैं, limit x tends to a from left। आर एच लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, आर एच लिमिट को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन such that fx is exist at x बराबर a, then limit extends to a fx equal to limit extends to 0 f a plus h in form is called RH limit at x बराबर a, which is written by limit extends to a from right
इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, या फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो या ए प्लस एच। लिमिट एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो या फिर ए प्लस एच। इसको हम लोग पढ़ते हैं, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, एक बार फिर से समझिए, आर एच लिमिट राइट हैंड लिमिट इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन सच डेट एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स बराबर ए। एग्जिस्ट का मतलब प्राप्त हो जाना, उसका अस्तित्व के बारे में जानना, मतलब ये फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स बराबर ए पर रियल नंबर आता है। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इन फॉर्म इज कॉल्ड आर एच लिमिट एट एक्स बराबर ए विच इज रिटेन y लिमिट एक्स टेंस टू a पर पावर अगर प्लस रहता है तो इसको पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंस टू a फ्रॉम राइट ऑफ एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस जीरो मतलब लिमिट एक्स टेंस टू a फ्रॉम राइट एफ एक्स है ना, लिमिट एक्स टेंस टू a फ्रॉम राइट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिख भी दिए लिमिट एक्स टेंस टू a फ्रॉम। अब देखिए कंटिन्यूटी, इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन सच डेट एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स बराबर ए देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए इन फॉर्म इज कॉल्ड कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच मतलब लेस केस, ये ग्रेटर केस और ये इक्वल, मतलब जिस फंक्शन का लेस केस ग्रेटर केस और इक्वल तीनों बराबर हो वह फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। लेस केस ग्रेटर केस और इक्वल, लेस केस का मतलब एल एच लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स बराबर ए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, मतलब जिस फंक्शन का एल एच लिमिट आर एच लिमिट और इक्वल तीनों बराबर हो वह फंक्शन कंटिन्यूटी होता है, वह फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। देखिए एक बार हम फिर से बता रहे हैं आप लोग, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस दोनों का मतलब सेम ही होता है। इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, आपको फंक्शन में बताए थे कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या चीज है, ऐसे एकदम सिंपली भाषा में समझिए, रियल का मतलब वास्तविक है ना, वैल्यूड मान मतलब जिसका वास्तविक मान आ सकता है वही एफ एक्स है, और वह जो है सच डेट एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स बराबर ए, और एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर रियल वैल्यूड देता है। देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए इन फॉर्म इज कॉल्ड कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, मतलब जिस फंक्शन का लेस केस ग्रेटर केस और इक्वल ये तीनों बराबर होता है वह फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। आगे देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफ भी देख लेते हैं,
यक्स, यक्स डैश, बाई, बाई डैश। ये देखिए किसी फंक्शन का ग्राफ है, बाई बराबर एफ एक्स, ये देखिए एक्स बराबर ए, इधर जो साइड होता है एक्स बराबर ए माइनस एच, और जो राइट साइड होता है एक्स बराबर ए प्लस एच। मतलब इधर वाला देखिए लेस केस, ये ग्रेटर केस और ये इक्वल केस। मतलब जिस फंक्शन का लेस केस, ग्रेटर केस और इक्वल, ये तीनों बराबर हो जाएगा, समझ जाइए वह फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाएगा। मतलब जिस फंक्शन का एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और एफ एक्स तीनों बराबर हो। एक सिंपल भी ग्राफ देख लीजिए इस ढंग से, ये देखिए एक्स बराबर ए, तो राइट साइड एक्स बराबर ए प्लस एच, लेफ्ट साइड एक्स बराबर ए माइनस एच। मतलब जिस फंक्शन का एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और इक्वल, ये तीनों बराबर हो, वह फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। एल एच लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच, आर एच लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच बराबर एफ है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पिछले वाले क्लास में है ना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बताया गया था, है ना, जो आप लोग इलेवेंथ में, इलेवेंथ में पढ़े हैं। अब ट्वेल्थ में आज पहला क्लास है ना, क्लास ट्वेल्थ का ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये नंबर बेस्ड चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए एंड कंपटीशन के लिए, तो आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कल मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है, है ना। कल दो चार पाँच को एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं होता है वह डिसकंटिन्यूटी होता है। तो कल मैं आप लोग को डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे।